हार्ले क्वीन और जोकर माँ पिता बन गए। बेबी जोकी क्या कर रहा है? पता लगाने के लिए देखे लालीलू। चॉपस्टिक के टुकड़े से बैग बनाएं। सरफेस को सैंड पेपर से पॉलिश करें। हैंडल को इलेक्ट्रिकल टेप से ढकें। स्ट्राइप्स बनाएं और एक मार्कर के साथ गुड नाइट लिखें। सिरिंज कैप से एक बोतल बनाएं। चमकीली हॉट ग्लू से एक निप्पल बनाएं। डिविजन्स जोड़ें और ये हो गया। कौन भूखा है? ये रही तुम्हारी दूध की बॉटल, अभी आ रही है। हार्ले सच में अपने नए बच्चे को बहुत प्यार करती है। एक मुलायम स्वेटर कंबल बनाएं। एथलेटिक फैब्रिक के टुकड़े पर एक टेम्पलेट आउटलाइन करें। दो टुकड़ों को काटें, एक बैगनी और एक सफेद। एक धागा, एक सुई, थोड़ा जादू और ब्लैंकेट के किनारे पूरे हो गए। उसी तरह अंदर करें, पर इस बार प्लश फैब्रिक का प्रयोग करें। दोनों टुकड़ों को जोड़ें, किनारों पर रिबन लगाएं और बो बांधें। एक फ्लफी तकिया लगाएं। हनी, क्या ये बढ़िया नहीं है कि हमने ये ब्लैंकेट बनाया? सच में बच्चा बहुत गर्म और आरामदायक है। वो सब खराब करने के बारे में भी भूल गया है। मेरा खजाना। एंजी जॉकी को बेबी सिट करने के लिए तैयार हो गई। क्या वो इस तरह के अलग बच्चे को हैंडल कर पाएगी? वाह, ये रहा तुम्हारा पैसिफायर। कोई बात नहीं, वैसे कुछ भी ठीक नहीं है। बच्चा नकल डस्टर और गन्स के साथ खेल रहा है। मैं हैरान हूँ। ओह नहीं, कि बच्चे के पास अपनी बेबी सिटर के लिए सरप्राइज है। बूम, आ मेरे बाल। मैंने आज पागल दिखने की प्लानिंग नहीं की थी। चलो एक बेबी कैरियर बनाते हैं। शार्जल बोतल का निचला हिस्सा हटाएं। साइड्स को एथलेटिक फैब्रिक से ढकें। गत्ते से एक टेम्पलेट काटें। अंदर के हिस्से ढकें। एक स्पंज का टुकड़ा तकिए में बदल सकता है। इसे मैश फैब्रिक से ढकें। सिलिकॉन हेयर बैंड से सुरक्षित करें। तुम्हें इस तकिए पर सिर्फ प्यारे ही सपने आएंगे। ड्यूरेबल हैंडल्स जोड़ें। हार्ले ने बच्चे को अंदर ले लिया और जोकर से बात करने का फैसला किया। जोकर नर्सरी में चिलिंग कर रहा था, लेकिन वो एक तर्क में शामिल होने वाला था। हमेशा मैं ही क्यों जॉकी को बाहर वॉक पर लेकर जाऊं? अब तुम्हारी बारी है। अब हमें स्ट्रॉलर की भी जरूरत नहीं है। बस बच्चे को कैरियर में डालो और तुम उसे अपने साथ ही कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है जॉकी, देखो और सीखो। बॉम का फ्यूज हमेशा ऊपर होना चाहिए, कुछ इस तरह। ओह, हार्ले ने हमें दूध और कुकीज लेने को कहा था। हो गया, समय है भागने का। टूथपिक के एक टुकड़े को काटें और उसे सफेद एक्रिलिक पेंट से रंगें। एक छोटे बॉल को ऊपर जोड़ें और रेटल तैयार है। बेबी जॉकी को खिलौने का साउंड पसंद है। एक तार का टुकड़ा लें, मोती को स्ट्रिंग में डालें और तार को मोड़ें। सिर्फ रेटल ही इस कमरे में सुरक्षित खिलौने की तरह लगता है। बम, जब तक कि आपके सिर पर ना मारे जॉकी। हमें एक लर्निंग मैट की जरूरत है। सुपर हीरोज के साथ कितनी बढ़िया फोटो है। इसे हरे फोम पेपर के एक टुकड़े पर आउटलाइन करें और किनारों पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ें। बैंगनी फोम पेपर से एक छोटा एक्सप्लोजन बनाएं। एक मैट बनाने के लिए तीनों टुकड़ों को जोड़ें। चार एक जैसे दिखने वाले टुकड़ों में चार चॉपस्टिक्स काटें। उन्हें क्रॉस वाइज चिपकाएं। एक पैन में से स्प्रिंग लेकर वुडन स्क्यूअर पर जोड़ें और ऊपर रखें। और अब हम कुछ पेंडेंट चुन सकते हैं। अच्छा अच्छा, हमारे पास ये क्या है? ये बढ़िया सेट है, जॉकी को ये पसंद आएगा। जॉकी को पेंडेंट से आने वाली आवाज पसंद है। चलो एक पेसिफायर बनाएं। हमें एक ज्वेलरी फास्टनर की जरूरत पड़ेगी। इस पर एक सीक्वन जोड़ें। एक रिंग में से एक्सेसरी चेन को निकालें। अब पेसिफायर कभी गुम नहीं होगा, ये हमेशा जॉकी के गर्दन पर रहेगा।
नीले फोम पेपर पर एक बैक आउटलाइन करें। सीधी लाइंस बनाने के लिए रूलर का प्रयोग करें। बॉक्स को इकट्ठा करें और किनारों को हॉट ग्लू से सुरक्षित करें। ये पुराना मेकअप बैग काम आएगा। जिपर को हटाएं और टुकड़े पर चिपकाएं। क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा जूते के लेसेस होंगे? हम इनका इस्तेमाल अटैचमेंट पॉइंट्स को ढकने के लिए करेंगे। बैग को काले मैश फैब्रिक से ढकें। ये काफी ट्रेंडी दिखता है। हमें और कौन सी सजावट की जरूरत है? एक बूम स्टिकर, स्टार्स और राइवेट भी बढ़िया विचार है। स्कल से जिपर को सजाएं। एक दूध की बोतल, बुलेट्स, थ्रोइंग नाइफ्स, मेरे पास वो सब है जिसकी मुझे जरूरत है। कितना बढ़िया सरप्राइज है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें और जोकी को यहाँ देखूंगा। एक मिनट रुको जोकर, मुझे बच्चे को फीड करने की जरूरत है। ये रही तुम्हारी बॉटल। मैंने केप के जैसी आवाज सुनी। यहाँ अंकल बैटमैन है। बच्चा जल्दी बड़ा हो रहा है। ये क्या है? इसका खिलौना? ये सिर्फ खिलौना नहीं, इसका मनपसंद टॉय बैट है। समझे? तुम्हें सावधान रहना होगा वरना बच्चा इसे तुम पर मारेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। ठीक है, मैं जॉकी को गौथम शहर दिखाऊंगा। चलो उड़े। चलो एक टॉय बॉक्स बनाएं। ये स्लाइम कंटेनर बढ़िया रहेगा। कैप को एक्रिलिक पेंट से ढकें। एल्मर्स ग्लू को किनारों पर लगाएं और इस पर लाल चमकीली छिड़कें। एक गोल हिस्सा काटें और ऊपर एक स्टिकर लगाएं। निचले हिस्से को स्टड्स के साथ चमकीले रिबन से सजाएं। जो को स्टिकर से तुम्हें पता चलेगा कि ये बॉक्स किसका है। अब हमें इसे भरने के लिए कुछ ढूंढने की जरूरत है। चलो लाइट क्ले से कुछ बॉम्ब बनाएं। ऐसे बच्चे के लिए ये बेस्ट चॉइस है। लोगों को धमकाने के लिए स्कल और हड्डियां बनाएं ताकि वो इन चीजों के साथ ना उलझे। फोम पेपर से एक स्पार्क बना। ध्यान से स्पार्कली बॉक्स पर स्टिकर चिपकाएं। हम इसमें अल्फाबेट ब्लॉक्स रखेंगे। जोकी को सिर्फ ये नहीं सीखना कि चीजों को कैसे फेंकना है, उसे ये भी सीखने की जरूरत है कि चीजों को स्पेल कैसे करना है। उसे अंधेरे से ना डरना भी सिखाना होगा। स्कल से बने चमकीले डार्क फिगरिंग से मदद मिलेगी। ये रात के लिए बढ़िया लाइट रहेगी। वो इन रंग बिरंगी लाइट्स में मंत्रमुग्ध हो गया। जो कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास हैंडकफ्स की चाबी होगी। मिस्टर जोकर, मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है और मैं काफी मुश्किल से जिंदा रह पाई हूँ। मैं समझा नहीं, मेरा बेटा शांति से अपने ग्रेनेड्स और वुड डॉल्स के साथ खेल रहा था। वो आज काफी अच्छे से रहा है। हनी, चलो हमारी बेबी सिटर की सैलरी बढ़ाएं और हमें फीडिंग चेयर भी बनाने की जरूरत है। प्रिंसेस के लिए ये टॉय चेयर काफी बढ़िया है, पर ये वो नहीं जो हमें चाहिए। लेग्स पर स्ट्रॉ रखें और उन्हें काट लें। लेगो पार्ट पर दो पहिए के पैर लगाएं। अब हम इस कुर्सी को आसपास घुमा सकते हैं। व्रूम! चलो कन्वर्टेबल आर्म रेस्ट बनाएं। पूरे को बैंगनी रंग दें। कुछ फोम पेपर स्ट्रिप्स बनाएं। सीट और लेग्स को हरे टुकड़ों से ढकें। जरूरत पड़े तो एक लंबी चेयर लगाएं। सीट को मेटालिक स्टड्स और स्कल से सजाएं। अब हर एक मील एक्साइटिंग गेम जैसा है। जो कि ये रात के खाने का समय है। चलो मैं तुम्हें कुर्सी पर रख दूं। वादा करो कि तुम इस बार अपने खाने के साथ नहीं खेलोगे। एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच। मैं हैरान हूँ कि रात का खाना कितना अच्छा था। ओह जोकर, तुम क्या सोचते हो कि क्या एंजी बच्चे का ध्यान रखती है या फिर कुछ और बात है? मुझे पता है कि वो मेरे जैसा ही है। मुझे उस पर बहुत गर्व है। ये परिवार सच में कुछ अलग ही है। हमारी वीडियो को लाइक करें, लालीलू को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें।